बिहार में चैत महीने की पछुआ हवा जानलेवा हो गई है। वहीं सरकार के इंतजाम भी नाकाफी दिख रहे हैं। बिहार में पिछले 6 दिनों में अलग अलग हादसे में 19 मासूमों की आग में जलने से मौत हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसों पर दुख जताया है। अररिया के हादसे को लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि शुक्रवार को बांका जिले के धुरैया में एक घर में आग लगने से 3 मासूम जिंदा जल गए। इससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। होली जलाने में 3 बच्चों की मौत हुई थी। 28 मार्च यानी होलिका दहन के दिन गया जिले की मोराटाल पंचायत के राहुल नगर गांव में होलिका जलाने गए 3 बच्चे होलिका की चपेट में आने से जलकर मर गए। तीनों बच्चे अपने अपने घर में थाली में पकवान रखकर परंपरा के अनुसार होलिका में आहुति देने के लिए पहुंचे थे। होलिका ने जब प्रचंड रूप धारण किया तो तीनों मासूमों को अपनी चपेट में ले लिया। तीनों की जान नहीं बच पाई। वहीं भुट्टे सेक रहे 6 मासूम जिंदा जल गए थे। 30 मार्च यानी होली के एक दिन बाद अररिया के पलासी के कवैया गांव में एक ही घर में खेल रहे 6 बच्चों की आग में जलने से मृत्यु हो गई। मरने वाले सभी बच्चों की उम्र 2.5 से 5 साल तक की थी। सभी बच्चे झोपड़ी नुमा कमरे में भुट्टे सेक रहे थे, तभी एक चिंगारी निकली और पास रखे पुआल के ढेर में घुस गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और सभी बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं बिजली के तार से आग में 3 मरे। 29 मार्च यानी होली की रात भागलपुर के पीरपैती में बिजली के तार से आग लगने के कारण एक ही परिवार के 3 बच्चे झुलस गए। तीनों में कोई नहीं बच पाया। मरने वालों में 2 बच्चियां और 1 बच्चा शामिल था। अपने बच्चे को बचाने में उनके माँ बाप भी बुरी तरह से झुलस गए। अभी तक उनका इलाज चल रहा है। 1 अप्रैल को मधुबनी के जयनगर में गैस सिलेंडर के फटने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। खाना बनाने के दौरान हुए हादसे में माँ बेटी की सुबह में ही मौत हो गई। बाद में गंभीर रूप से घायल बेटे मयंक की PMCH में मौत हो गई। मृतक बेटे की उम्र 5 साल की थी। इस हादसे में पड़ोस की एक महिला भी बुरी तरह झुलस गई। 1 अप्रैल को ही भोजपुर में ननिहाल घूमने आई एक 6 साल की बच्ची की आग में झुलसने से मौत हो गई थी। यह घटना बढ़हरा थाना क्षेत्र के अभिराज टोला गांव में हुई थी। मरने वाली बच्ची उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गहमर थाना क्षेत्र के हरकेशपुर गांव निवासी मंटू कुमार की 6 वर्षीय पुत्री अंशु कुमारी थी। यहाँ आग से संपत्ति का कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा पिछले हफ्ते अगलगी की कई ऐसी घटनाएं भी घटी जिनमें जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। 1 अप्रैल को गया जिले की शेरघाटी में एक कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग लग गई। वहां सूखी लकड़ियां भारी मात्रा में रखी हुई थी। सरसों तेल के कंटेनर भी रखे हुए थे। 1 अप्रैल को ही बेगूसराय के एक कार शोरूम में भी आग लगी। 30 मार्च को पटना के मौर्य लोक के सामने हीरा पन्ना पैलेस की बिल्डिंग के ऊपर होर्डिंग के फ्लैग्स में भी आग लग गई थी। यह आग AC के आउटर की गर्म हवा से लगी थी। 30 मार्च को ही अररिया के ADB चौक स्थित यूनियन बैंक में अचानक आग लगने से लाखों के सामान जलकर राख हो गए थे। आग लगी की इन घटनाओं पर फायर ब्रिगेड की DG शोभा अहोतकार का कहना है कि उनकी टीम प्रिवेंटिव कदम के साथ साथ घटना होने पर तुरंत और तेजी से कदम उठा रही है। आग लगने की घटना जानकारी मिलते ही एक तय समय के अंदर फायर ब्रिगेड की यूनिट वहां पहुंचाई जा रही है। हालांकि पछुआ हवा से भड़की आग माओं की गोद उजाड़ रही है, इसलिए संभल कर रहने की बहुत ज़रूरत है। बिहार में 6 दिनों में 19 मासूम जिंदा जल चुके हैं।